कहीं आप ये तो नहीं सोच में पड़ गए कि किलविश ने अपने अपने सहयोगी के साथ में शक्तिमान को गिरफ्तार कर लिया? जी नहीं, मैं गिरफ्तार नहीं हूं, न ये गिरफ्तार करने वाले हैं। ये आज हमारे जो विलन्स माने जाते हैं शक्तिमान के, शक्तिमान के साथ मिलकर एक पार्टी में दोस्ती को बताने के लिए जमा हुए, इकट्ठा हुए मेरे ऑफिस में चाय के साथ शक्तिमान की बातें करने के लिए। आपको बताऊं, आज हम एक खास पर्पस से यहां पर आए हैं। जैसे कभी कभी कहते हैं कि दुश्मन और जो आपस में मिलते हैं, कभी कभी अपनी अंदरूनी मीटिंगें भी करते हैं हम, अगर दुश्मन हैं तो भी हम लोग फिर भी अंदरूनी मीटिंगें करने में। हमने सोचा है कि शक्तिमान की फिल्म बनने जा रही है, एक बड़ा स्टेप है। अब तक हमने 350 एपिसोड 400 एपिसोड बना लिए थे। शक्तिमान आइकॉन बन चुका है बच्चों का, 7 साल चला, आज भी चल रहा है। मैं जानना चाहूंगा, अभी ये किलविश साहब है हमारे, सुरेंद्र पाल जी, ये हमारे जगौल जी हैं, ललित परिमो जी, और ये हमारे रमन खत्री जी हैं, साहेब है। इनसे शुरुआत हुई थी, बीच में ये घुस गए थे, मेरे को मारने की कोशिश कर रहे थे, एंड में ये आ गए थे। अब इनकी क्या राय है इसकी, ये आज हमारे शो का मंत्र है, शो के हमारा ये मेन पर्पस है कि मैं पूछना चाहूंगा। सबसे पहले मैं सुरेंद्र पाल जी से पूछना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुल बेहतरीन तरीके से किलविश को निभाया। मैंने इनको परसों ही फोन पे कहा था इनको कुछ भी कौन लगता है, वाइफ को भी ऐसे करते होंगे, खाना नहीं दे रही मेरे को तो मेरा टाइम तो इनको मैंने कहा था कि भाई हमेशा दुनिया तो याद रखेगी किलविश के नाम पे, सुरेंद्र आप ही को याद रखेगी। तो इनसे पूछूंगा, वन थिंग इज, आपका शक्तिमान के बारे में क्या ख्याल है, और शक्तिमान फिल्म जो बन रही है, और शक्तिमान का आज के इस संदर्भ में कितनी आवश्यकता है, और फिल्म बनने से क्या होगा? सबसे पहले तो मैं मुकेश खन्ना जी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो इन्होंने देखा था, और जब भी हम लोग अक्सर बातें करते थे कि इस शो जब हमारा खत्म हो गया था तो इन्होंने कहा था कि मैं सुरेंद्र इसके ऊपर फिल्म बनाऊंगा शक्तिमान के ऊपर। तो मैं अक्सर इनसे पूछा करता था कि फिल्म कब बनाएंगे, तो इन्होंने कहा मैं बनाऊंगा बनाऊंगा, और अक्सर हमारी बातचीत हुआ करती थी। सबसे पहले इनको शुभकामनाएं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल को भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने विश्व इंटरनेशनल के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि पहली बार हिंदुस्तान के किसी टेलीविजन धारावाहिक के ऊपर एक फिल्म बहुत बड़े कैनवास के ऊपर वो भी बनने जा रही है, और वो भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज लोग जो है इसमें टेक्नीशियन के तौर पर और उसके तौर पर बहुत सारे लोग काम करेंगे मेरे ख्याल से, और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और शक्तिमान एक ऐसी कहानी है जो, जिसे मैं आज भी कह सकता हूं आपके साथ जब हम यहां बैठे हैं, कि चाहे मैं विदेश में गया हूं या अमेरिका गया या लंदन गया, और जहां भी भारतीय है उसे आज भी अपने बचपन का हीरो याद है, शक्तिमान। मुझे याद है मैं फैशन स्ट्रीट के ऊपर जब घूम रहा था, वहां पर घूम रहा था, तो लोगों ने मुझे मेरी अपनी ओरिजिनल जो मेरी इमेज थी महाभारत के द्रोणाचार्य, उससे मुझे लोग कम पहचान रहे थे, किलविश से ज्यादा पहचान रहे थे। कोई इंजीनियर बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है, लेकिन जब वो लोग छोटे थे तो वो शक्तिमान को जरूर देखते थे और कहते थे सर हमने अपने घर में आपकी वजह से बहुत पिटाई खाई क्योंकि हमारे माता मम्मी पापा ने हमको बहुत मारते थे क्योंकि हमें टीवी नहीं देखते थे। वो कहते थे नहीं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस ऑफिसर बनो, जो भी बनना है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि शक्तिमान कल भी न भूतो न भविष्य इस तरह का धारावाहिक न भारतीय टेलीविजन में पहले कभी बना है और ना कभी बनेगा। और इसके लिए मैं मुकेश जी की वो जो फोर साइडेड थे, जो इनकी एक देखने का नजरिया था वो बहुत ही बेहतरीन था। जब इन्होंने पहली बार मुझे बताया था कि मैं एक फ्लाइंग हीरो के ऊपर शो बनाने जा रहा हूं, तो मैंने कहा क्या नाम है उसका, तो इन्होंने कहा शक्तिमान। तो
उस वक्त भी मेरे दिमाग में ये चीज बैठी नहीं कि इसको किस तरह से बनाएंगे, हाउ यू विल मेक इट, क्योंकि हमारे पास उस वक्त टेक्निकली हम लोग कोई बहुत एडवांस नहीं है, बॉलीवुड से 25 साल पीछे हम लोग बहुत पीछे थे, टेक्निकली बहुत पीछे थे। लेकिन जब मुझे याद है जब मैंने पहला एपिसोड देखा था शक्तिमान का, और शक्तिमान जब जुब 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 करके उड़ता है और बच्चों ने जो तालियां बजाई हैं घरों में बैठकर, वो सीन आज भी मुझे याद है। हमारे बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे, उनका भी बहुत फेवरेट पापा शक्तिमान आ रहा है, पापा शक्तिमान आ रहा है। और उसमें जब मुझे किल्विश का कैरेक्टर प्ले करने के लिए मिला तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात थी। और आज की तारीख में शक्तिमान मैं ये कहूंगा कि घर घर की कहानी है, और आज इसे लोगों को बड़े बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। और ये एक बहुत ही भव्य स्केल के ऊपर बनने जा रहा है, इसके लिए मैं मुकेश मैं सवाल पूछूंगा आपसे सुंदर जी बीच में कि हमने बहुत कुछ बनाया, अब बनने जा रहा है सोनी इंटरनेशनल, नॉट ओनली इंडिया सोनी इंटरनेशनल, जिन्होंने स्पाइडरमैन से लेकर बड़े बड़े सुपर हीरो, आपको क्या लगता है कि ये फिल्म बनने से शक्तिमान का इमेज या मैसेज कितने दूर तक जाएगा, आपको फायदा होगा? ऑफ कोर्स ये एक इंटरनेशनल लेवल पे बनेगा, मतलब इसकी हर लैंग्वेजेस में ये डब होगा और ये वर्ल्ड वाइड फैलेगा, और पहली बार लोगों को पता लगेगा कि इंडिया का फ्लाइंग हीरो जो है वो इतना पॉपुलर है। अभी तक कॉमिक्स में कार्टून्स वगैरह में आपने देखा होंगे बहुत सारे कैरेक्टर्स आए हैं, कॉमिक हीरोज आए हैं, उनमें विलन्स भी आए हैं बहुत, लेकिन शक्तिमान विल बी लाइक इंटरनेशनल, हर देश में देखा जाएगा, चाहे वो किसी भी देश के किसी भी लैंग्वेजेस में हो, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़े सम्मान की बात है और गर्व की बात है। चलो ये गर्व भी है, खुशी भी है, सब कुछ है। जब किल्विश आज शक्तिमान की तारीफ कर रहा है, जबकि हमेशा उसको बोलता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज शक्तिमान में काम करके भी इनको पता है कि शक्तिमान के आदर्श हैं। मैं हमारे दूसरे जो हमारे यहाँ पर हमारी कहानी बहुत अजीब थी, किल्विश पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढता रहता था कि किसको पकड़ूं, कभी कपाला आया तो कभी बीच में एलियंस आया तो कभी मेयर आया, और फिर बीच में जो एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर आया जो इनका डॉक्टर चेकॉल का है, और डॉक्टर जेगोल को यही मंशा है कि वो इतना बड़ा करे कि उसको किल्विश जो है उसको अपने पास रखे और उसको लैब बना के दे अपने इंटरनेशनल। तो मैं इनसे पूछूंगा बिकॉज ही इज द नेक्स्ट पर्सन जिसने शक्तिमान को आगे बढ़ाया है कहानियों को। ललित जी आपका क्या ख्याल है, ये इंटरनेशनल फिल्म बनने से कितना अच्छा होगा वर्ल्ड को भी, हमारा तो हमारे जैसे उनका गौरव की बात है, बट शक्तिमान का क्या औचित्य है आज के संदर्भ में? पहले तो वही जो भाई सुरेंद्र ने कहा, मैं भी वहीं से शुरू करना चाहूंगा कि आपको ढेर सारी बधाइयां और सोनी पिक्चर्स को मुबारक और हम सबको मुबारक कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे हमने अपने जीवन के महत्वपूर्ण साल दिए हैं वो अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बड़े पैमाने पे सबके सामने आने वाला है। तो इससे हम लोगों ने मिलकर जो काम किया आपके साथ आपकी प्रोडक्शन कंपनी में, तो उस काम का विश्वास तो और पक्का हो ही गया, ये तो बात है ही है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शक्तिमान वैसे ही इंडिया का पहला सुपर हीरो है, टेलीविजन का पहला सुपर हीरो है, भारत में इस तरह की कोई धारावाहिक पहले बनी नहीं, न सिर्फ स्पेशल इफेक्ट और दूसरी चीजों को लेके बल्कि कंटेंट के लिए, कंटेंट वाइज भी नहीं था, जो भारतीय माइथोलॉजी की पुरानी कहानियों का जो मूल आधार है कि पाप और पुण्य की लड़ाई या अच्छाई और बुराई की लड़ाई जो रामायण महाभारत और दूसरी कथाओं में भी है, उसको बड़े अच्छे से वैज्ञानिक तरीके से, उसमें तो वैज्ञानिक डॉक्टर उसके उस तरह से पेश किया गया, और वो जनमानस में उस वक्त और आज भी सब लोगों ने बहुत दिल से उसको सहर्ष स्वीकार। अब जब ये प्रोग्राम और ये टीवी शो इंटरनेशनल लेवल पे जाने वाला है, अब इसमें कंटेंट मूलतः वही होना चाहिए जो रहा है, इसमें जो एडिशनल चीज होगी जो मुझे लगता है वो डेफिनेटली समय के अनुकूल स्पेशल इफेक्ट की होगी, और वो जब कोई भी किसी भी चीज में शिल्प और कंटेंट, ये दोनों फॉर्म एंड कंटेंट
जब बहुत ही डायनेमिक हो तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा आता ही है। शक्तिमान का ऑनेस्ट हो, हाँ शक्तिमान का अपना कंटेंट तो बहुत अच्छा है। अब उसको जब स्पेशल इफेक्ट्स का एक ऐसा सहारा मिलेगा जो हॉलीवुड में देखा जाता है बहुत सारी फिल्मों में, वो जब उसको एक सपोर्ट मिलेगा तो इसका लेवल और ऊपर उठेगा, सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा डेफिनेटली हो जाएगा। और मेरी इच्छा ये है कि चरित्र वैसे ही रखे जाए, मुझे नहीं पता राइटिंग टीम क्या सोच रही है, आत्मा कैसे वही रहनी चाहिए, आत्मा वही रहनी चाहिए क्योंकि वही वही सबको बांधे हुए रहा। जी हाँ, अभी आपको मैं एक बात बता दूं इसी के बारे में, इसी कंटेंट से रिलेटेड है कि आपको याद होगा कि इससे पहले भी जिस जो हम लोग स्पेशल इफेक्ट की बात कर रहे हैं उससे फिल्म कितनी भव्य बन जाती है, कितनी बड़ी हो जाती है, उसका अभी हमारे हिंदुस्तान में भी एक लेटेस्ट उदाहरण है बाहुबली। जो स्पेशल इफेक्ट के ऊपर पहली बार नहीं है, पहली बार हमारे हिंदुस्तान में लोगों ने उस चीज को सराहा, पसंद किया, और इस चीज का हमको यानी शक्तिमान को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि जो चीज हम लोग टेलीविजन पे नहीं दिख पा पाए अब वो चीजें अनबिलीवेबल चीजें, और कंटेंट हमारे दर्शक इंटरनेशनल दर्शक जो है जी जी वो देखेंगे उसको, इसे बड़े बड़े पर्दे पर देखेगा जी। जो सवाल आपने पूछा था कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी इसको स्वीकारेंगे लोग, उसमें मेरे मन में ये बात आ रही है कि अब चूंकि दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, ग्लोबल हो चुकी आफ्टर डिजिटलाइजेशन 100% एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया और प्रॉब्लम्स ऑफ अमेरिका या प्रॉब्लम्स ऑफ इजराइल और प्रॉब्लम्स ऑफ ईरान, देयर ऑल सेम सेम, ह्यूमैनिटी इज सेम, तो एक अलग तरीके से वर्ल्ड यूनाइट हो ही चुकी है। कोरोना ने तो और सबकी समस्याओं और मुश्किलों सबको एक बना दिया, और हमारी कहानी में शक्तिमान में कई मर्तबा ऐसा होता था कि जो समस्या थी वो पूरी पृथ्वी की थी, पूरी पृथ्वी के ऊपर अटैक हो रहा है, पूरी पृथ्वी में कई बार मीटियोर का अटैक हो रहा है, दूसरा कुछ हो रहा है, सो और उसमें शक्तिमान एक तरफ से बचा रहा है और आप और हम मिलके पृथ्वी को तबाह कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये बेसिकली हमारे देश में पुराणों के जरिए बहुत पहले कही गई है कि धरती पर कब्जा करने के लिए बढ़ता है, और धरती पर कब्जा करने के लिए दैत्य लोग दानव लोग लड़ते हैं देवों से, पुरानी कथा आ रही है, उसी को वैज्ञानिक तौर से अगर हम चले तो पूरी पृथ्वी यूनाइट हो सकती है, और इसी के जरिए हम नई कथाएं ला सकते हैं कि अभी मार्स के जरिए कोई अटैक हो रहा है, मार्स में एलियन है वो पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, शक्तिमान बचा जो आने वाला है, जो आने वाला है फ्यूचर। तो दैट इफ द स्टोरीज आर वीव्ड लाइक दिस देन देयर आर 100% चांसेस दैट होल प्लैनेट विल बी वन। शक्तिमान विल हैव अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन गिविंग सॉल्यूशंस टू ऑल द प्रॉब्लम्स व्हिच एंटायर ग्लोब इज फेसिंग, वेदर दैट इज कोविड, वेदर दैट इज बॉर्डर वॉर, वेदर दैट इज ड्रग्स, वेदर दैट इज एनवायरमेंट, Everything. ये तो आपने बिल्कुल उसी तरह बात कह दी कि जो बहुत पुराने एक शायर ने हमारे फिल्म इंडस्ट्री में लिखा था, बारूद के ढेर पे बैठी है ये दुनिया, सारे हर आदमी देखे हर जगह आपको तनाव दिख रहा है, अमेरिका में दिख रहा है, पाकिस्तान में दिख रहा है, रशिया में दिख रहा है, यूक्रेन में दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है तनाव तनाव, क्योंकि हर आदमी अपने बारूद के दम पे ही एक दूसरे से अकड़ रहा है। लेकिन इस पूरे बारूद को खत्म करने के लिए शांति का संदेश लेकर अगर कोई आता है तो वो शक्तिमान ही आता है, और किस तरह से इस बारूद के ढेर को वो खत्म करता है और शांति और पीस को लागू करके जाता है। मेरे मन में अभी ये ख्याल आ रहा है कि शक्तिमान के जरिए हम एक थॉट डाल सकते हैं फ्यूचर इस इंटरनेशनल सीरीज में कि पूरी प्लैनेट को एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की जरूरत है। शक्तिमान कैन गिव आइडियाज लाइक दिस की प्लेनेट वासियों के बड़े बड़े बासिंदों को बुला के भाई आप लोग एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाओ और फेस करो सारी क्राइसिस। मेरा सपना था इवन डायरेक्टर के साथ भी जो प्रॉब्लम्स हैं, मान लीजिए अगर ये कोरोना ही है, ऐसा बहुत वाइज लोगों ने कहा है कि देयर आर मेनी डिजीजेस व्हिच ट्रेवल फ्रॉम फार प्लैनेट्स। ये कोरोना तो किलविश नहीं फैलाया, कुछ भी हुआ कीटाणु में फैलाया था, कीटाणु का जो शक्तिमान मात्रा था किल्विश था, और उसी ने कीटाणुओं के अंदर अपने कोरोना डाल के किल्विश वाज, किल्विश के पास एक ही प्लैनेट नहीं है ना, किल्विश लिव्स इन अनदर प्लैनेट, सो यू आर फंक्शनिंग फ्रॉम अनदर प्लैनेट ट्राइंग टू हाईजैक
दाढ़ी लगाकर आप आए नहीं कि आपको पुलिस ने लगाई नहीं है सब मुझे बोलते हैं साहिब को कब पकड़ोगे अभी तक लास्ट में क्योंकि तुम एक ऐसे हो जो नहीं पकड़ेगा ये 10 बार पकड़ा गया छूट गया और साहिब को कौन सा खत्म करो ना शक्तिमान एंड करो और साहिब को मारो मैं नहीं पकड़ा तो इसलिए आप दाढ़ी में घूम रहे हो डोंट वरी आज आप हमारे साथ हो हमारे ग्रुप में हो बताइए क्या आपके क्या ख्याल है सर लव टू बी द पार्ट ऑफ दिस ब्रिलियंट ग्रुप एंड आई मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं शक्तिमान का पार्ट रहा और कंग्रेचुलेशन सर फॉर दिस ये आप भी बधाई दे चुके हैं आप भी बधाई दे चुके हैं एंड इवन टू द सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल कंग्रेचुलेशन सर बहुत बड़ी बात मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि मैं शक्तिमान में बहुत लेट आया था बहुत ज्यादा नहीं आप सबसे पहले थे आप भी बहुत पहले तो जब मैं आया था तो शक्तिमान वाज ऑलरेडी वेरी बिग थे मुझे याद है आज भी मुझे ऑडिशन देने आया था तो मेरे पैर कांप रहे थे तो अंदर से जानी जी कहने यहाँ तो डर मत तुम्हारे पांव अपने आप से कांप रहे थे या शक्तिमान को देख के कांप रहे थे सर दोनों चीजें तो दोनों चीजें थी उस समय ये पहला विलेन है जो शक्तिमान को देख के मैं क्योंकि ऑलरेडी शक्तिमान वाज सच अ बिग हिट और जब मैं सीरियसली मेरा यही था कि इसमें मुझे मौका मिल जाए तो आई विल बी इनफ लकी एंड आई गॉट द पार्ट या यू वर द लास्ट वन ऑफ द लास्ट विलेंस वी हैड इन शक्तिमान यस यस सो सर दिस इज समथिंग ये एक लाइफ के साथ जुड़ गया हमारे वी आर द पार्ट ऑफ शक्तिमान और जैसे अभी ललित जी ने भी कहा कि एक मैसेज जो है ग्लोबली एक सुपर पावर का जो जाता है अभी जो जितनी प्रॉब्लम्स भी हम जो डिस्कस कर रहे थे हमने बचपन से पढ़ा था सिखाया गया हमें शास्त्रों में कि सृष्टि में जब भी बहुत अत्याचार बढ़ जाता है या कुछ चीजें होती है एक अवतार पैदा यदा यदा की तरफ सो वी कैन हम उस अवतार को ज्वाइन कर सकते हैं शक्तिमान के रूप में ग्लोबली एक ऐसी ऐसा एक मैसेज जाए शांति का संदेश लेकर कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये खत्म हो जाए बीमारी से लेकर जो आपसे दुश्मनी है आपसे जो रंजिश है ये ह्यूमैनिटी के लिए इसे एक बार में खत्म होना चाहिए आई थिंक ये बहुत बड़ा जरिया है शक्तिमान का और जरूरी भी है इम्पोर्टेंट भी है कंटेम्पररी भी है और लोग चाहते भी है कोरोना ने लोगों को इतना डरा दिया माफ करना मैंने पिछली वीडियो में कह दिया था कि प्रवीण कुमार की ये श्रद्धांजलि में कि पहली बार मुझे लगा है कि लोगों को पहली बार मतलब नॉट ओनली इंडिया में तो जानते थे पर कहीं ना कहीं ग्लोबली लोगों को लगा कि आत्मा होती है क्योंकि इतने लोगों को आरआईपी बोल चुके हैं आप ये भगवान उनकी आत्मा को शांति yes, yes, भगवान ये उनकी कल बोला उसके लिए जी के लिए बोला मैंने ये बात अभी पहली बार कोरोना ने लोगों को एहसास किया कि मर सकते हो आप आज से 3 साल पहले या 5 साल पहले या तो डेथ होती थी एक्सीडेंट से या बीमारी से लेकिन आज सडनली फोन आता है मैंने कल किसी को पूछा मैंने कहा वो सर वो गुजर गए आजकल गुजरना बहुत कॉमन हो गया है मरना कॉमन हो गया है मर तो लोगों को लगा कि मैं तो नहीं मर जाऊंगा तो अब लोग खौफ में घूम गए इसको हटाने के लिए शक्तिमान जैसी एक जैसे हम कल की अवतार की बात करते हैं आएगा और वो बहुत आगे जाके आएगा क्योंकि बाप और बढ़ने वाला है इससे ज्यादा खतरनाक चीज क्या हो सकती है सर कि आप अपने घर से बाहर नहीं जा सकते इससे ज्यादा खतरनाक और इंसान इंसान से दूर रहे जिंदगी में आपने किसी को मास्क देखा है आप मुझे पीछे 50 या 100 साल देख लीजिए कभी नहीं मास्क पहन के सब घूम रहे सिर्फ डॉक्टर्स पहनते थे ऑपरेशन सर्जन वो भी तो ग्रेट चीज अब देखिए मैं पब्लिक को भी कहना चाहूंगा कि मैं आपको बता दूं ये शक्तिमान को कैद करने के लिए नहीं आए हैं अपने जाल में बजाने को ये आज आए हैं दोस्ती का संदेश लेकर और आज जो है शांति का संदेश लेकर और सुख और मतलब मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य का संदेश लेकर जो आज कोरोना ने सबको करवा दिया है मौत बहुत कॉमन हो गई है बहुत अजीब लगता है मैंने लता जी के बारे में श्रद्धांजलि दी दूसरे दिन चिता की आप ठंडी नहीं हुई हमारे प्रवीण कुमार चले गए ये पहले कभी नहीं होता था तो इसके लिए शक्तिमान का बहुत ही बड़ा औचित्य है सीरियल है ये इंटरनेशनल जो अगर बने अगर मुझसे पूछे कोई तो मैं इन सब की बातों को मिला जुला कर कहूं कि ये शक्तिमान की आत्मा हमारे इंटरनेशनल शक्तिमान में जिसको हम ग्लोबल बोल रहे हैं रहनी चाहिए अफकोर्स 1.5 घंटे की फिल्म होती है पर 3 फिल्में बनती है कैसे होगा मुझे नहीं मालूम थिंग्स वी हैव टू वर्क अपॉन इट तो इन लोगों से मैं और जानना चाहूंगा कि आपको शक्तिमान से के करने में क्या एक्सपीरियंस रहा मतलब यू एंजॉयड वर्किंग फॉर शक्तिमान सर सॉरी एक पॉइंट में जी मिस कर गया मैं कहना चाह रहा था कि मुझे लगता है कि बचपन में सभी ने आई थिंक एवरीबॉडी हैज अ ड्रीम हम बचपन में कहीं ना कहीं सोचते हैं काश मेरे पास ये सुपर पावर हां
हमारी फिल्म के द्वारा ये जाना चाहिए कि जो आज भी सपने देखते हैं उनके एक जरिया बन जाए, मतलब वो बड़े होके ऐसा कुछ करें कि उनके पास इतनी पावर आ जाए। और कहा भी है, मैं सुपर पावर्स की बात नहीं कर रहा, देयर आर मेनी वेज टू मेनी वेज होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्ति। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। ड्यूरिंग कोरोना जब सब लॉकडाउन था, गलियां बंद थी, सड़कें बंद थी, सब घरों में कैद थे, शुरू के दिनों की बात है, तो जाने क्यों मुझे एक ऐसी फीलिंग थी कि मुझे लेट मी सी द रोड्स। मैं निकलता था कई बार ऐसे, गाड़ी लेके भी निकलता था कई बार, कुछ नहीं हुआ। एक दिन ऐसा हुआ, गाड़ी लेके पैदल चल रहा था, वॉक करके मैं जा रहा था, ये देखने के लिए सब बंद था, सब तरफ बंद था। अचानक मेरे पास एक पुलिस की वैन आई, उसमें 4-5 पुलिस वाले थे और मुझे डांट के और बहुत जैसे बोलते हैं पुलिस वाले, अकड़ में, अंदर जाओ, मास्क नहीं लगाया, घर जाओ, मालूम नहीं है लॉकडाउन है। तो मैंने उनसे वार्तालाप करनी शुरू की, क्योंकि मैं चाह रहा था कि कॉन्वर्सेशन करूँ कुछ। तो मैंने पूछा, सच में कोरोना है क्या? तो हाँ, तो लॉकडाउन है, मालूम नहीं है? तो किसी दूसरे पुलिस वाले ने जो पीछे बैठा था, उसने मुझे पहचान लिया कि वो चौंका, अरे डॉक्टर जैकॉल। तो थोड़ी सी फॉर्मल बातें हुई, फिर उसी ने बात बात के दौरान पूछा कि शक्तिमान आएगा बचाने। फिर मैंने और उससे बातचीत करनी शुरू की, तुम्हें विश्वास है कि शक्तिमान आ सकता है? बोलता हाँ विश्वास है, बचपन में तो पूरा विश्वास था। वो होगा करीब 30 साल का आदमी है, हम बचपन में बिलीव करते थे कि प्रॉब्लम्स हैं, बुराइयां हैं, बीमारियां हैं, तो शक्तिमान आएगा और बचाएगा। सो दिस काइंड ऑफ पावर शक्तिमान हैज हैड, एंड इन फ्यूचर वी मस्ट क्रिएट दिस। काम करती है, उन्होंने मुझसे संपर्क किया था और मुझे वो किसी प्रोग्राम में बुला रहे थे। मुझे एहसास नहीं था कि इतना असर पड़ा था। दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कितना अच्छा हो कि अगर वर्ल्ड के सभी डॉन्स आपस में मिलकर पॉजिटिव साइड वाले के साथ मिलकर ऐसे बैठे। डॉन तो आपस में बैठते हैं, शराबे चलती है और बड़े बड़े प्लाने होते हैं, बट कैन यू बी इमेजिन किलविश जैकॉल एंड साहेब सिटिंग विद शक्तिमान। मैं मेरा ही सपना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जैसे एक गाना भी बहुत अच्छा डाला था हमने, होता इमेजिन करो कि कल्पना करो कि सारे बॉर्डर खत्म हो गए, क्या बात है, क्या फिर गंगा देव, मतलब सोचो क्या ये कब होगा, जब होगा कोई रक्षा बजट ना कोई होगा परमाणु, फिर हम इस पैसों से दुनिया के सुख ले पाएंगे। अब ये सिचुएशन आज क्यों नहीं, आज क्यों 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 हमारे रूस अटैक करता है, क्यों चाइना अटैक, क्यों नहीं ह्यूमैनिटी अपने अपनी जगह में चुपचाप, क्या करोगे 4 फीट जमीन को लेकर, और 4 आदमी को सुलाओगे वहां पर, क्या करोगे? शक्तिमान को इन बातों में आना चाहिए, ऐसे बड़े लेवल के मैसेजेस, जैसे हमने वसुधैव कुटुंबकम का हमने 19 मिनट का गाना किया था, ये मैसेज इंटरनेशनली शक्तिमान को देना चाहिए। टूडे पीपल नीड शक्तिमान, इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू से, क्योंकि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि देश में एक डंडा चाहिए, ऑनेस्ट डंडा, देश छोड़िए पूरे वर्ल्ड में चाहिए। वो कौन करेगा? ना अमेरिका करेगा, ना रशिया करेगा, ना जापान करेगा, ना जर्मनी करेगा, करेगा कौन? एक आदमी जो मानवता का बचाने वाला आदमी है, तो शक्तिमान की आवश्यकता है। ये आप लोग मानते हो? 100% मैं तो काफी ज्यादा मानता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि सिनेमा हमारे जीवन में केवल एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, कल्चर का हिस्सा बन गया। हाँ, कंसर्न का हिस्सा, मिरर उल्टा हो गया हमारा शब्द। हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है हमारे जीवन में, बहुत बहुत इस तरह करके। अगर आप बुराइयों को दिखाएंगे टेलीविजन या फिल्म या बड़े पर्दे के ऊपर, तो फिर बुराइयां बढ़नी शुरू हो जाती है। और आजकल तो लोग मोबाइल लेके घर घूमते रहते हैं। मैं आप लोगों को ये भी एक बताना चाहता हूँ कि एक छोटा बच्चा था जिसने बचपन में एक फिल्म देखी थी, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, बहुत पुरानी फिल्म। हाँ, और वो बच्चे ने
के ऊपर उस फिल्म का इतना प्रभाव पड़ा था कि वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो उस आदमी का नाम था महात्मा गांधी। और उनके जीवन पे उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे शक्तिमान एक अच्छाइयों की तरफ हमेशा आगे बढ़ता रहा है, क्योंकि जितने भी हमने टेलीविजन के अंदर शक्तिमान के एपिसोड किए हैं, किलविश को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, अंधेरा लाना चाहता है, कोरोना फैलाना चाहता है, लेकिन शक्तिमान हमेशा अच्छाई की तरफ आगे बढ़ता है। तो एक बड़ा अच्छा मैसेज हमारे बच्चों को, न्यू जनरेशन को, बहुत बड़ी बात है, जाता है। देखिए कितना इंप्रेसिव है उसका। अगर एक छोटे स्मॉलेस्ट ऑफ द एग्जांपल दूं, ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं महात्मा गांधी के उद्गार की। मैं एकदम ग्राउंड लेवल की बात करूं, मेरे को एक बहन जी आके कहती है, सर हमारा बच्चा आपके वजह से दूध पीना शुरू। सर ये हुआ है। सर ये हुआ मेरे घर पे, हुआ शक्तिमान के मेरे घर पे। छोटी छोटी बातें जो हम हमेशा दिखाते हैं। शक्तिमान ने कहा दूध पिएंगे तो शक्तिशाली बनेंगे। सर उस मैसेज से मेरे घर पे हुआ है, मैं साक्षात बैठा हूँ आपके साथ, और वो छोटी छोटी बातें आज लगता है वो बहुत बड़ी बात है। आज भी कहते हैं कई लोगों में वो बातें हैं भी नहीं, उन्हें पता भी नहीं है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये अगर छोटी बात भी अपनी लाइफ में अपना लें तो कितने कितना देश की दुनिया सुधर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जो बात आपने कही उसी को मैं और एलेबोरेट करते हुए कहूंगा कि किसी भी देश की, अब देश तो फैल रहा है, विश्व हो गया है, तो हमें विश्व संस्कृति के बारे में मिलना चाहिए। तो वो बनेगा ही कला से, कला ही गाइड करती है। अगर हमारे पास पुराना हम जो भी देखे हैं तो वो कलाएं हैं जो जीवित है, किताबों में है या इधर उधर है। हम कैसे याद करते हैं अपने पास्ट की ग्लोरिफाइड हिस्ट्री को? हमारी रामायण महाभारत उस बात का है, हमारे मंदिर हैं, हमारी मूर्तियां हैं, हमारी चित्रकला है, हमारी संगीत है, उसी से हम आज अपने आप को गौरवशाली मानते हैं। तो ये एक आने वाले समय के लिए 100, 200, 300, 400 हो सकता है 1000 साल के लिए एक नई संस्कृति की नींव रखी जा सकती है। आपकी एक बात पर मुझे बड़ा अच्छी बात एक फील हुआ मुझे, जैसे आपने कहा कि अगर मेरे पास ये पावर आ जाती तो मैं ऐसे कभी अब्यूज नहीं करता। सो तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज आपके थ्रू हो सकता है टू द वर्ल्ड लीडर्स। मैं ओपनली कह रहा हूँ जिनके पास सुपर पावर तो नहीं लेकिन बहुत पावर है, बहुत पावर, तो काश उसे वो अब्यूज ना करके अगर अच्छा यूज भी करेंगे तो दुनिया में बहुत बड़ा चेंज। कहते हैं एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। इनसे शायद कोई इंस्पायर हो जाए, वो बहुत ये जो पावर था, ये फिल्म जो है इंटरनेशनल लेवल पे इंस्पायर हो जाएगी, डेफिनेटली लोगों को असर होगा। कोई ना कोई ऐसे इतनी पावरफुल कुर्सी पे बैठा है। क्या तुम्हारी बात को मैं अगर समअप करूं तो ये है कि एक कहावत मशहूर थी कि पावर जो है पावर करप्ट्स, ये मशहूर है। और बोलते हैं कि मैं कई बार बोल चुका हूँ डंडा चाहिए देश में, सर बोलते सर अरे आइए, यानी कि आप चाहते कि डिक्टेटरशिप, बोलते सर आपको मालूम है एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सर एग्जांपल है ना, नहीं सुनो ये तो उसको छोड़, कम टू ग्राउंड लेवल। लोग कहते हैं एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तुम्हारी बात ये है कि अगर एक आदमी के पास एब्सोल्यूट पावर हो और वो करप्ट नहीं हो तो वो देश दुनिया कुछ चेंज कर सकता है, वो शक्तिमान कितना। यस यस वो बात, अगर एब्सोल्यूट पावर में ऑनेस्टी आ जाए, काश शक्तिमान की तरफ पावर कहां से जनरेट हुआ? मेरे ख्याल से राइटिंग टीम की ही ये डायलॉग दिया होगा पावर पर मैं अगर एक एक्टर हूं, मेरे को डायलॉग लिखा होता है, मैं पढ़ता हूं, मैं इसको बोल रहा हूं पावर आगे पावर, अब इसने वो एक बार करके दिखा देगा। एक बार मुझे बहुत फिलोसॉफिकल बात कही थी मुकेश, आई डोंट वांट टू रिमेंबर माय पास्ट, रिमेंबरिंग दिस पास्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग वेरी नोबल नाउ towards nice. future, something good and something noble for humanity is going to happen. जी. So for this, the past is valuable. कर दो ना, पहले कर दो। Power! हाथ नहीं मिला। Power!
ये जब पावर बोलते थे ना पूरा कैमरा हिल जाता था। और इसमें मैं ये कहूंगा कि इसमें जो डायरेक्शन टीम और डायरेक्टर साहब दिनकर जानी साहब भी, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। मैं इतना लाउड शुरू में नहीं करता नहीं करते थे okay. और वो बार बार कहते थे कि बिकॉज दिस इज अ चिल्ड्रंस शो, बच्चों का शो है, यू हैव टू बी लार्जर देन लाइफ। यस यस, कई बार फील करता था कि मैं कुछ ओवर तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, मैंने अपना करने के इरादे से मैंने अपना थिएटर का एक्सपीरियंस इसमें लाया। मैं यही सोच के किया मैं 5000 की ऑडियंस के सामने एक्टिंग कर रहा हूँ, कैमरा है नहीं, हाँ थोड़ा लाउड करो। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि आपने कहा एलियन एक अलग ही कैरेक्टर होता है। हाँ। और मैंने भी यही जब किल्विश किया था तो मैंने कहा एलियन है, इसको जब तक मैं पूरी इंटेंसिटी के साथ इस कैरेक्टर को डायलॉग नहीं बोलूंगा, वजन देना, ये वजन नहीं होगा, ये नहीं पब्लिक जो है समझ पाएगी। और यही कारण था कि जब मैंने उसको मैं 10 सोशल सीरियल कर सकता हूं, लेकिन एक बिल्कुल मेरे मन की मेरी पूरी एनर्जी चली जाती है। अच्छा था कि ये वीकली शो थे, अच्छा डेली होता तो मैं आज भी जब कल्पना करता हूं अगर रोज डॉक्टर जयकौल वाली सीन करने पड़े हैं 7 बार और 20 दिन फोटो वाइडर्स मैं भी जब एक दिन में पूरी इंटेंसिटी के साथ बोलता था शक्तिमान, पूरी ताकत लगा के पूरे साहेब आपका कोई तकिया कलाम था उसमें? नहीं, मेरा तो सर वो था जब मैं अंधेरे में हमेशा बैठा होता था। इनका तकिया कलाम नहीं साहब, इनके पास क्या था बता दो आपको, ये कुछ नहीं था, हमारे पास तुम्हारा एक सिगरेट लाइटर था, टिंग, और वो उसकी म्यूजिक बजती थी, टिंग 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 टिंग, फिर ठड़क कर बंद करते सैल्यूट पे बैठे रहते, दैट वाज योर, यस वो मेरा ही था, मतलब आधा काम तो आपका लाइटर कर देता था, हाथ नहीं मिलाने का कोरोना के टाइम पे। अगर तुम लोग साले मिले अच्छी बातें समझते हैं, कहानी इतनी ललित जी और मेरी हमारी सीन्स जब आपस में होते थे तो मुझे बड़ा मजा आता था ललित जी के साथ में, क्योंकि हर लाइन के बाद में इनका तकिया कलाम पावर, लेकिन पावर मैंने इनके साथ में जब किया था तो इतना 6 या 7 तरीके से पावर हुआ। तुम जानते नहीं कुमार कि मैं वहां पहुंचूंगा तो ये ऐसे से करके आते थे, अच्छे कलाकार की पहचान है जो वेरिएशन लाए। इट वाज अ ग्रेट हेल्प फ्रॉम एन को-एक्टर, ना वो एक बूस्ट करता है हमेशा, ये बात बहुत मजा आया था इनके साथ सीन्स करने में। और मैंने सुना तुम लोग दोनों ने मिलकर साला शक्तिमान को टिकनूम बना छोटा बना दिया था। हाँ सर, बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ ना, ये कहाँ से कौन सा लेकर आए थे, मतलब मैं और वो बेचारा भरत बंदा पड़ा हुआ है। आज दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि आप इतने अच्छे अच्छे एक्टर कहाँ से ढूंढ के ये देखिए, ये बहुत स्टाइल से अपनी तारीफ कर रहे हैं, ये मतलब ये नहीं बोल रहे कि हम अच्छे एक्टर हैं, पर ये बोल रहे हैं आपने अच्छे 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 एक्टर किया। मैं तो बचपन से फैन विराट से, बचपन से हमारा विराट से मिला मुझे, ये मेरे को मिला द्रोणाचार्य से, इन्होंने दिनकर जानी की टीम लेकर इनको दोनों को तो मेरे से मेरा सही। और मैं तो इनका बचपन से फैन हूँ सबका, वो अलग बात है तो, लेकिन बड़ा मजा आया सर, नहीं लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, इट वाज अ थैंक यू फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ एंड आई होप दैट फिल्म आल्सो बिकम्स एज इंप्रेसिव एज इन्फेक्शियस, बिकॉज़ एक हम अच्छा ही बांट रहे हैं। मेरे लिए मैं तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है, अगर आप किसी को प्रॉमिस करो और अगर आप वो फुलफिल ना करो तो कंधे पे बोझ रहता है। आज मुझे मालूम है कि मैं बना रहा हूं और मैं अभी तो बहुत कुछ करना है आपके लिए। ये छोटी सी बात 2 दिन में 16 लाख टच कर दी, ना कुछ उसमें प्रोमो दिखाया मैंने उसमें, ना मैंने उसमें कोई गिमिक्स दिखाया, ना किल्विश का फेस दिखाया, ना मैंने इसका फेस दिखाया, तो पब्लिक कितनी रिसेप्टिव है टुवर्ड्स शक्तिमान प्रूवन बाय दिस स्मॉल कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं। सोनी का तो खैर यू नो ब्यूटीफुल प्रोमो था और एक ब्रेकिंग न्यूज थी कि शक्तिमान बना रहे। मैंने तो सिर्फ अपने छोटे से उद्गार किए कि एम आई हैप्पी, नहीं आई एम रिस्पॉन्सिबल, सो इट शोज The impact of शक्तिमान। So मैंने इसको अभी के वक्त में क्या बताया जा सकता है हमको भी और सबको भी कि मैं इतना बना सकता हूँ, इतना बता सकता हूँ कि सालों पुराना मैंने दो बार ऑडियंस को कहा है, 3 बार कहा है, मैं 2 बार मिठाई खा चुका हूँ इसकी,
कई बार बोल चुका हूँ, मतलब हम लोग आपस में खा लेते थे मिठाई, चल ये पास हुआ, तो मेरे को तो पता था साल दो साल से, लेकिन ये तो कोरोना ने भी डिफिकल्ट किया। लेकिन अभी जाके मैं इतना बता सकता हूँ, तीन फिल्में बन रही हैं ट्रायोलॉजी वन आफ्टर अनदर, इंटरनेशनल, सोनी इंटरनेशनल इज इन्वॉल्व इन इट, ऑफकोर्स विद भीष्म इंटरनेशनल एंड हमारे एसोसिएशन में, और हम बनाने जा रहे हैं शक्तिमान की सोल को सेम रखकर, कौन कहां, जैसे कहते हैं ना, कौन कब कहां ऊपर वाला उठाएगा मालूम नहीं, कौन कब कहां कौन क्या बनने वाला है, प्लीज मेरे को मत पूछिए, क्योंकि मैं बता नहीं पा। नहीं तो राइटिंग टीम, डायरेक्शन टीम, कुछ अंदर से बन गई है, बाहर बट भी अंदर अंदर हमने एग्रीमेंट दिखाया था, ये हमने एग्रीमेंट में लिखाया है कि शक्तिमान के बेसिक, इसीलिए मैं शक्तिमान किसी को देना नहीं चाहता। मेरे पास इससे भी तीन साल पहले ऑफर आया था, सर शक्तिमान के राइट्स हमको दे दीजिए, बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस। मैंने कहा आपको दूंगा नहीं, आपको मेरे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, हट गए पीछे, राइट्स, मैं चाहता हूं कि आप इसको डिस्को ड्रामा मत बना दीजिए, इसे मूल्यों पर रखिए। भगवान ने मेरी बात रखी, तीन साल के बाद में जाकर सोनी इंटरनेशनल जी बड़ी बड़ी एंथुजियास्टिकली हमारे साथ मिले, मेरी तीन मीटिंगें हुई, दे वर वेरी एंथुजियास्टिक, वेरी गुड, कि शक्तिमान तो बहुत बड़ा ब्रांड है। तो मैं इतना कह सकता हूं कि सोनी ने अपना इसके ऊपर पूरा विश्वास जताया है, और मुझे खुशी है कि मुझे अल्टीमेटली, इसको कहते हैं कि क्या कहते हैं उसका, चलिए हम कहने को तो बहुत कुछ है, बट कहीं ना कहीं विराम लेना पड़ता है, तो मैं इसको इंटरव्यू नहीं कहूंगा, इसको मैं एक गेट टूगेदर कहूंगा। हो सकता है कि कॉफी टेबल पे बैठे या चाय की टेबल पे बैठे या डिनर पे बैठे, हमने आपस में एक डिसाइड किया कि चलो इस टाइम पे इतने बजे मिलते हैं, ये ऊपर से आए, ये अपने लैब से आए, ये अपने वो ट्रिंग वाले, उसको सब अंधेरे से बाहर निकल के यहाँ आए, मेरे ऑफिस में आए, चाय पर चर्चा करते हैं। और मुझे, मैं इन लोगों का शुक्रिया कहना चाहूंगा, एक फोन पर तीन दिन पहले ये सिर्फ कल्पना आई थी कि मैंने कहा तीनों विलन को बुलाते हैं, चलो शक्तिमान, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से शक्तिमान क्या था, अभी तक हमने कभी किसी को नहीं बताया। इन्होंने अपने इंटरव्यू में अपनी बात बताई, इन्होंने अपनी बात बताई, इन्होंने अपनी बात बताई है, लेकिन तीनों बैठकर, जब तीनों बैठते हैं तो महफिल जमती है, इन्होंने महफिल जमाई, आप लोगों को बहुत कुछ दिया। मैं शुक्रिया करना चाहूंगा आप सभी दर्शकों का भी, आपने बहुत प्यार दिया है, प्रोत्साहन दिया है, साहस दिया है, आपने मुझे मोटिवेशन दिया है, मैंने मुकेश खन्ना शो बनाया है, मैंने शक्तिमान बनाया था आपके लिए, और शक्तिमान की फिल्म बड़ी पर्दे पर बड़े बड़े स्पेशल इफेक्ट्स के साथ लेकर आएंगे हम लोग मिलकर, ये हमारा इरादा है, विश्वास भी है, और ये सब हमारे साथ है। जब पॉजिटिव एंड ब्लैक, जब अंधेरा उजाला मिल जाता है, तो जो पावर बनता है वो असली पावर होता है। सो यू कैन से ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी, यस यस, ऑल द बेस्ट एंड विशिंग गुड टू यू ऑल, और हम सब वेट कर रहे हैं कि शक्तिमान फिल्म आए, हम भी उसका हिस्सा बने और आप सब उसको अच्छे से देखें और आनंद लें। विजय भाव कहो, जितना इंतजार, विजय भाव कहो, जितना इंतजार आप लोगों को है इस फिल्म का, उतना ही इंतजार हमें भी है इस फिल्म का, हम भी इसको थिएटर में ही देखेंगे। सो जस्ट स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सब मजे से रहें। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि सालों पहले मुझे किसी ने कहा था, इवन कंटेंट में भी किसी ने कहा था, बहुत कंटेंट है, अरे सर लेक्चर शेक्चर छोड़िए ना, बताइए ना सीजन टू कब आ रहा है, तो किसी ने कहा सर आप सर डाल दीजिए ना, सर अपने चैनल पे डाल दीजिए ना, सर आप दूरदर्शन पे डाल दीजिए ना। मैं उन सबको बताना चाहता हूँ आज, क्योंकि आज मेरे धंधे से बोझ हट गया। मैं कभी नहीं चाहता था शक्तिमान, ये नहीं कहूंगा कि शक्तिमान इतना बड़ा है कि वो छोटे पर्दे पर ही सिमट जाए, मैं चाहता था शक्तिमान को थिएटर्स मिले, 70 mm मिले, जिस तरह बाहुबली को हम, मैंने भी जाके देखा है यहाँ पर पास थिएटर में बैठे, बिकॉज ये थिएटर का प्रोडक्ट है, ये सिर्फ इंडियन थिएटर नहीं, पूरे वर्ल्ड के थिएटर का प्रोडक्ट है, क्या बात है, इसीलिए मैं वेट किया मैंने, अदरवाइज मैं कॉम्प्रोमाइज करता तो मेरे पीछे एक नहीं 10 लोग थे, सर मेरे पास सर 25 lakh है, मैंने कहा 25 lakh का शक्तिमान भी बनता, किसने कहा सर करोड़ है, मैंने कहा करोड़ में भी नहीं बनती, 100 crore चाहिए, 200 crore चाहिए। भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि अल्टीमेटली थिंग्स आर हैपनिंग फॉर मी, हैपनिंग फॉर देम, हैपनिंग फॉर यू, सो लेट्स वेट 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 एंड लेट्स वेट फॉर अ गुड फिल्म, ऑल द बेस्ट।